सनी देओल और अमीषा पटेल की गदर 2 11 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म ने एडवांस बुकिंग में तो ताबड़तोड़ टिकट बिक्री किए, लेकिन फिल्म देखने के बाद लोगों का अलग ही कहना है। कोई फिल्म को सरदर्द कह रहा है तो कोई इसे मास्टरपीस बता रहा है। पर क्या आप जानते हैं कि जब काजल और अजय ने फिल्म देखी तो उन्होंने क्या कहा, उनका भी रिएक्शन सामने आया है। चलिए बताते हैं आज की इस वीडियो में उनके रिएक्शन के बारे में। नंबर 1, काजल। काजल ने जब गदर देखी तो इन्होंने कहा कि गदर तो एकदम आउटडेटेड है, पुरानी वाली फील आई है। मुझे 2 सीन बहुत अच्छे लगे, एक सीन हैंडपंप वाला और एक वो सीन है जब सकीना यानी अमीषा लंबे समय बाद तारा सिंह यानी सनी देओल से मिलती है। इन दोनों सीन्स ने मेरा तो दिल तोड़ दिया है। नंबर 2, अजय देवगन। अजय देवगन ने फिल्म देखी और कहा कि सनी देओल ने तारा सिंह बनकर जो गदर मचाया उसे कोई नहीं रोक सकता। फिल्म का पहला हाफ काफ़ी अच्छा था, पर सेकेंड हाफ थोड़ा कमजोर लगा इन्हें। फिल्म में सनी देओल काफ़ी कम दिखे हैं, उत्कर्ष शर्मा के रोल ज़्यादा हैं, तो कह सकते हैं कि ये फिल्म सनी की नहीं बल्कि उत्कर्ष की है। तो दोस्तों, आपको क्या कहना है इस मूवी पर कमेंट करके ज़रूर बताएँ। साथ ही से तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।